दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022-23 बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है और आपके पास में बहुत कम टाइम पीरियड बच गया है जिसमें आप आपके पैसे को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके आपका टैक्स सेव कर सको। तो गाइस मैं हूं सीए श्रीकांत करवा। इस वीडियो में बात करूंगा कि आप कैसे ईएलएसएस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड में आपका पैसा निवेश करके आपका टैक्स सेव कर सकते हो बाय द सेक्शन एटीसी। पहली बात बता दूं, सेक्शन एटीसी में देर आर लॉट ऑफ डिडक्शंस, कई सारे डिडक्शन के ऑप्शन आपको अवेलेबल है, जिसमें से एलआईसी पे हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात भी करी थी। आपको लिंक उस पर्टिकुलर वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को प्रॉपरली देख सकते हो। दैट इज ऑल्सो ऑप्शन विद यू, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके आपका टैक्स सेव कर सको। एंड नाउ इस वीडियो में मैं बात करूंगा ईएलएसएस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड की। तो गाइस जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर से रिपीट कर देता हूं, सेक्शन एटीसी में इन टोटलिटी आपको डिडक्शन मिल सकता है 1,50,000 का। इसमें कई सारे ऑप्शन है और आप वेरियस ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एग्रीगेटिवली आपको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का मिलेगा फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। अगर आप इससे ज्यादा भी निवेश कर सकते हो एटीसी में दिए हुए ऑप्शंस में, बट दैट विल बी ऑफ नो यूज, आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है। गाइस एक सवाल उठता है कि ये डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी किसे किसे अवेलेबल होगा। तो मैं सिंपली बता दूं, जो असेसी इंडिविजुअल और एचयूएफ है बस उन्हीं को ये पर्टिकुलर एटीसी का डिडक्शन अवेलेबल होता है। ओके, तो ये बेसिक बात है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। लेकिन अब सवाल कई लोगों के मन में उठता है, या मैं बोलूंगा दुविधा कई लोगों के मन में होती है, या मिसकंसेप्शन होता है कई लोगों का कि भाई हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे एटीसी की उतना हमारा टैक्स कम हो जाएगा। तो लेट मी क्लियर योर डाउट, ऐसा नहीं होता कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट करी उतना टैक्स कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों के मन में आता है, मैंने 1 लाख का अगर मान लीजिए इन एटीसी के डिडक्शंस में जो ऑप्शंस दिए उसमें पैसा निवेश कर दिया तो मेरा 1 लाख से टैक्स कम हो जाएगा। ये बात गलत है, ये मिसकंसेप्शन है आपका, इसको बाजू में निकालिए। तो सर एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली होगा ऐसे, आपकी पहले टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जाएगी, लेट इट बी फ्रॉम सैलरी, लेट इट बी फ्रॉम बिजनेस, या फिर कोई अदर सोर्स है, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या कोई कैपिटल गेन है। इनकी पहले टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी और इस टैक्सेबल इनकम में से जितना आप निवेश कर रहे हो एटीसी के वेरियस ऑप्शंस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी बात कर रहे हैं ईएलएसएस की, तो आप ईएलएसएस पे मान लीजिए 1 लाख रुपए आप लोग निवेश कर रहे हो, तो आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट हुई है उसमें से ये पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी की 6 लाख की इनकम अर्न करी है, तो होगा क्या अगर आपने 1 लाख का एटीसी में दिए हुए ऑप्शंस में अगर निवेश करते हो पैसा, तो आपका टोटल इनकम सिर्फ बन जाएगा 5 लाख रुपीज। ये कैसे हुआ? 6 लाख का आपका टैक्सेबल इनकम था, उसमें से आप जितना निवेश करोगे वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। इससे डायरेक्ट टैक्स कम नहीं होगा बल्कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। फिर वो जो टैक्सेबल इनकम एक बार कम हो जाए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे जहां पे हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख पे आ गई थी, तो वहां पर आपको फिर टैक्स लगने लगेगा। फिलहाल देखा जाए तो 5 लाख पे देर इज नो टैक्स आफ्टर कंसिडरिंग द रिबेट्स एंड ऑल। तो सिंपली मुझे इतना बताना है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है इन एटीसी के कोई भी ऑप्शन, तो याद रखिएगा आपकी इनकम को डिडक्शन मिलेगा ना कि आपके टैक्स को। हाँ ये बात अलग है, जब आपकी इनकम कम हो जाएगी टैक्सेबल वाली तो डेफिनेटली जो टैक्स होगा वो कम अमाउंट का लगेगा। ओके, तो होप सो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर आपने सब बता दिया एटीसी सेक्शन क्या है, बट व्हाट डज ईएलएसएस मींस? कई लोगों ने सुना होगा ईएलएसएस का नाम, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ये होता क्या है। तो मैं सिंपली बताना चाहूंगा, ईएलएसएस स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। मैं ये भी बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। म्यूचुअल फंड में आपको मिल सकता है डेट ओरिएंटेड फंड्स, फिर डायरेक्टली इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, और उसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में आपको मिल सकता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम विच इज ईएलएसएस, और ये फंड होता है टैक्स सेवर फंड। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करो तो ऐसा नहीं है आपको किसी भी स्कीम में डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप डेब्ट ओरिएंटेड फंड में डाल रहे हो, यू विल नेवर बी गेटिंग एनी डिडक्शन। आप नॉर्मल इक्विटी में डाल रहे हो तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा,
लेकिन आप ईएलएसएस स्कीम के तहत आपका पैसा निवेश करते हो तो याद रखिए आपको तब जाके डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड की स्कीम है। तो म्यूचुअल फंड में कई सारे आपको टैक्स सेवर फंड दिखेंगे, ईएलएसएस स्कीम दिखेगी, बस उसी में जब आप पैसा निवेश करते हो तो जाके आपको 80C का डिडक्शन एलिजिबल हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड आपके इस पैसे का क्या करेगा, हाउ डज इट वर्क्स। आप जैसे ही ईएलएसएस स्कीम के अंदर आपका पैसा निवेश करते हो तो म्यूचुअल फंड इसको इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देता है। अब इससे होता क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आपका पैसा लगाया जाए तो वहां पे रिस्क डेफिनेटली होता है। रिस्क क्यों होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में अगर आपका पैसा निवेश हो जाए तो आपको ये बात तो हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इक्विटी शेयर्स का प्राइस हमेशा कम ज्यादा होता रहता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक मार्केट। तो इतना कंफर्म है कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में अगर आप पैसा डालो तो आपका पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लगेगा और वहां पे वोलेटिलिटी होगी। हाँ, लेकिन एक बात जानने लायक है, म्यूचुअल फंड क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा ऑपरेट होता है तो यहाँ पे रिटर्न के अच्छे खासे आपको चांस होते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये बेनिफिशियल है या नहीं, तो मैं तो जवाब दूंगा भाई, इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल। क्योंकि जितना आज के डेट में आपको बैंक की एफडी से रिटर्न मिलता होगा, डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड से उससे ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा। ईएलएसएस स्कीम्स अलग अलग टाइप के आपको म्यूचुअल फंड देखने मिल सकते हैं। कई ऐसे ईएलएसएस स्कीम के ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जिन्होंने 25 to 30% तक रिटर्न दिया है। तो मुझे बताइए, आपका एफडी तो इनके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं लगता। आज एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप कंपेयर करो पीयर टू पीयर विथ योर एफडीज, तो आई विल ऑलवेज बी रिकमेंडिंग यू दैट कि आप ईएलएसएस स्कीम में आपका पैसा निवेश कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आपकी जो भी हार्ड अर्न मनी है वो ना सिर्फ सेव होगी बल्कि इसका ग्रोथ भी आपको देखने मिलेगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रख सकते हो और ईएलएसएस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग योर ईएलएसएस स्कीम। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो ईएलएसएस स्कीम में वो 3 साल तक लॉक हो जाता है। इन शॉर्ट आप 3 साल तक उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपको जानने लायक है। आप जो भी फंड इन्वेस्ट करोगे उसका आपको डेफिनेटली डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फंड आपका 3 साल तक ब्लॉक हो जाएगा। 3 साल के बाद ही आप इसे विड्रॉ कर सकते हो। और ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करने के आपके पास में बेसिकली दो ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ लोग लमसम भी कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो आप एसआईपी के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो मुझे लगता है दैट विल ऑलवेज बी बेटर, क्योंकि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके ऊपर एकदम बर्डन भी नहीं आएगा और मंथली आप पेमेंट करते जाओगे और जितना पेमेंट करोगे साल भर में उसका तो आपको डिडक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट कोई बंदे को अगर 24,000 का डिडक्शन लेना है तो लमसम में 24,000 डालने से अच्छा आप अगर मंथली 2,000 पर मंथ राइट फ्रॉम अप्रैल डालने लग जाओ, इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल टू यू। दूसरी बात, आपका ये जो लॉक इन पीरियड है जो 3 साल का दिया है, तो कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा ये कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि ईएलएसएस स्कीम में पैसा डालने के हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो एसआईपी या आप लमसम डाल सकते हो, वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा, आप जब एसआईपी के थ्रू आप आपके ईएलएसएस में निवेश करते हो तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये अप्रैल 2023 है, अप्रैल 2023 में आपने अगर 2,000 रुपए अगर मान लीजिए निवेश कर दिए ईएलएसएस स्कीम में, तो याद रखिएगा ये अप्रैल 2023 से आगे के 3 साल तक लॉक इन रहेगा। तो फॉर रफली अप्रैल 2026 तक ये पैसा आपका लॉक इन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अप्रैल 2026 के बाद आपका ये 2,000 रिलीज हो सकता है। इन शॉर्ट आप जो जो इन्वेस्टमेंट करोगे मंथली इन ईएलएसएस स्कीम थ्रू एसआईपीस, तो जो आपने जिस मंथ में जितना निवेश किया है वो वहां से आगे 3 साल के लिए लॉक्ड इन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं लमसम की, तो लमसम में क्या होगा, अगर आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर दी है तो जिस डेट को आपको म्यूचुअल फंड से यूनिट अलॉकेट होगे वहां से आगे के 3 साल तक आपका फंड जो होगा वो ब्लॉक्ड होके रह जाएगा। तो फिर से बताता हूँ, अगर कोई मुझे पूछे सर आपके ओपिनियन में हमें क्या करना चाहिए, एसआईपी और गो बाय लमसम, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू दैट गो विथ एसआईपी।
SIP अच्छा रहेगा, एक तो बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा, दूसरी बात आपका जो पैसा है अगर आप लमसम एक साथ लगा देते हो तो वो वहां से आगे 3 साल तक ब्लॉक हो जाएगा, बट SIP के थ्रू लगाते हो तो अप्रैल के महीने में जो लगाया अप्रैल 23 में, तो वो अप्रैल 26 को रिलीज हो सकता है, फिर मई 23 को जो लगाया वो मई 26 में रिलीज हो सकता है, तो इन शॉर्ट आपके थोड़े थोड़े जो पैसे है वो रिलीज हो सकते हैं अगर आप SIP के थ्रू करो तो। और दूसरी बात, मार्केट में अप्स डाउन होते रहते हैं, और मार्केट में जो अप्स डाउन होते रहते हैं तो उसमें ऑलवेज भी SIP विल बी बेटर, तो आई विल रिकमेंड यू दैट आप PLSS स्कीम में डाल रहे हो तो मुझे लगता है आप SIP के थ्रू जाइए तो ये बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। बट फिलहाल इस साल की अगर बात करूं, अभी जैन चल रहा है तो आपको मार्च तक अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली आपके पास में तो एक ही ऑप्शन रहेगा, एंड दैट इज ओनली ऑफ व्हाट, लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप ध्यान रख सकते हो, आप एक छोटी सी SIP स्टार्ट कर सकते हो फॉर एनी ELSS फंड एंड यू कैन सेव योर टैक्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये था डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ELSS स्कीम। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।